हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विपिन यादव और आप देख रहे हैं सिंटू सिंगार। आज इस ड्राइंग में मैंने ये लिया है रेफरेंस, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन ऊपर। ये रेफरेंस थोड़ा सा मेरे लिए है कॉम्प्लिकेटेड और मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा मुश्किल तो है ही है। इसके लिए कुछ मटेरियल जो मैं यूज करने वाला हूँ, बेसिकली वो क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पेपर है, फैबियानो का पेपर है, थोड़ा सा थिकनेस इसकी कम होती है। मैं फर्स्ट टाइम इस पेपर को यूज करूँगा, तो ये देखेंगे कि इस पर रिजल्ट जो है अलग, जो पेपर है हमारे पास जो हम जनरली यूज करते हैं उससे कुछ अलग रिजल्ट आता है या फिर उस तरह का रिजल्ट आता है। तो ये भी इस पेपर में मुझे इस ड्राइंग के अंदर देखने को मिलेगा कि ये पेपर कैसा है। और पेंसिल तो मैं वही यूज करूँगा जो मैं जनरली अपनी ड्राइंग में करता हूँ। लेट्स सी। तो मैं यहाँ पे अपनी ड्राइंग पे आ चुका हूँ और अब इनिशियली क्या है कि एक स्केल की हेल्प से मैं यहाँ पे कुछ डॉट क्रिएट कर रहा हूँ, जो 20 mm के आसपास जो मैं एक मेज़रमेंट करके वहाँ पे डॉट को ड्रॉ कर रहा हूँ। डॉट ड्रॉ करने के बाद मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है और जो बॉक्सेस बनाने हैं। तो मैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्या करूँगा कि वहाँ पर डॉट मैं क्रिएट कर लूँगा। तो डॉट क्रिएट करने के बाद में फिर मैं इस स्केल को रख के वहाँ से लाइन ड्रॉ कर दूँगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो मैंने ऑलमोस्ट कर दिया, यहाँ पे सारे रो और कॉलम कंप्लीट कर दिए हैं। देन इसके बाद मैं एक इसको क्या करना है कि एक नंबरिंग देके यहाँ पे क्या है मार्क कर देना है कि भाई ये 1 to 10, 15 तक के ये मार्क्स नंबर हैं। और वर्टिकली हम क्या करेंगे 1 to 11 तक मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूँगा एक पेंसिल की मदद से। तो ये भी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इससे होता क्या है, जनरली जब हम एक मोबाइल में हमने कोई एप्लीकेशन ले रखा हो उसमें भी इसी तरह से हमने किया हुआ है, अब इसको जूम इन करके तो एक आपको आइडिया मिल जाता है जनरली कि हम किस कॉलम के अंदर, किस रो के अंदर, किस बॉक्स के अंदर हमें अभी इनिशियली क्या करना है कि ड्रॉ करना है, कहाँ से हम स्टार्ट करें। क्योंकि जब आप मार्किंग नहीं करोगे, वहाँ पर नंबरिंग नहीं करोगे, तो वो बॉक्सेस का आपको पता नहीं चलेगा, तो आप गलत तरीके से वहाँ पर मार्क करोगे। ये जो है अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक सेंटर पॉइंट होता है जो आई, कभी भी ड्राइंग आपको स्टार्ट करनी है तो आई से स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक आई जो है लेफ्ट आई से स्टार्ट किया है ड्राइंग करना। तो मैं धीरे 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 क्या करूँगा कि जो मोबाइल की स्क्रीन है उसको ड्रैग करके और मैं देखता रहूँगा कि किस बॉक्स के अंदर जो नंबरिंग है उसकी, उस आधार पे किस बॉक्स के अंदर क्या चीज़ है, आईज किस बॉक्स के अंदर है, क्या नंबरिंग है, नोज कहाँ पर है, क्या फीचर्स किस बॉक्स के अंदर आ रहे हैं। तो वो मैं देख के एक ऑब्जर्वेशन के ज़रिए क्या करूँगा कि वो ड्रॉ करते जाऊँगा। ठीक है, तो ये बहुत मायने रखता है। जब भी बिगनर्स हैं, जो भी जो ड्रॉ कर रहा है वो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेगा तो थोड़ा सा क्या है कि मुश्किल होता है और वो किसी दूसरे बॉक्स के अंदर चला जाएगा। तो पूरा जो अलाइनमेंट है, जो चीज़ें हैं वो पूरी बेतरतीब हो जाएंगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर आपको दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा। या फिर जो ड्राइंग का जो परफेक्शन है, जो उसका वो नहीं आ पाएगा बेसिकली। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि मैं ड्रैग करके और बॉक्स बाई बॉक्स लाइन को कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये सारा प्रोसेस होता है एक इस तरह से आपको करना है। अब मैं यहाँ पे हेयर्स के कुछ स्टॉक दे रहा हूँ कि उनका किस डायरेक्शन में हेयर्स हैं। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो डायरेक्शन क्या है किस चीज़ का, कि वो किस बॉक्स के अंदर कितना है। तो ये सारी चीज़ें आप जब ड्रॉ करते रहोगे कंटिन्यू, आपको एक प्रैक्टिस होगी, तो क्या होगा कि एक आइडिया मिल जाता है। तो ये तो देख लिया आप लोगों ने भाई लिया, और वो भी हमने कैसे किया है कि एक ग्रिड मेथड से। तो ये 20 mm जो ग्रिड है वो मुझे ऐसे लगता है कि ना तो ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा है। ठीक है, ये इतना तो होना ही चाहिए। अब कई लोग तो बहुत छोटा कर लेते हैं, 10 mm भी कर लेते हैं, और कई लोग बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं। यार आप बहुत ज़्यादा बड़ा कर लोगे तो फिर उसका मायने ख़त्म हो जाएगा कि ग्रिड का मतलब ही ख़त्म। इससे अच्छा तो फिर आप फ्री हैंड बना लो, वो ज़्यादा बेटर है। और बहुत ज़्यादा छोटा कर लिया तो उसमें डिटेलिंग बढ़ जाती है,
कि जितने बॉक्सेस छोटे होंगे आपको उतनी मतलब उतनी ध्यान से जो है उसकी आउटलाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मतलब एक आपके हिसाब से कि आप कैसा कर पाते हो, आपकी प्रक्रिया किस तरह की है, तो आप अपने तरीके से भी उसको रख सकते हो कि हमें कितनी बड़ी ग्रिड बनानी है। तो बेसिकली ग्रिड का तो आपने देख ही लिया। तो ये यहाँ तक, इस वीडियो मैंने यहाँ तक छोड़ दिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे हमारी, तो उसमें मैं क्या करूँगा कि इसमें शेडिंग किस तरह से करते हैं और कितनी अच्छी शेडिंग हो पाता रहेगा, और उस ड्राइंग को आप लोग देखोगे तो उसमें एक खास बात आपको देखने को मिलेगी। ये मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया, मैंने सोचा है कि इस पूरी ड्राइंग के अंदर मैं बिना ब्लेंड किए उस ड्राइंग को कंप्लीट करूँगा। ये मेरे लिए एक चैलेंज है और मैंने अपने आप को खुद को एक चैलेंज दिया कि इसमें कोई भी ब्लेंडिंग टूल इस्तेमाल नहीं करूँगा, ना तो ब्रश का इस्तेमाल करूँगा, ना पेपर स्टैम्प का इस्तेमाल करूँगा, और ना ही मैं यहाँ पे कोई पेपर यूज करूँगा, कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा। मतलब मैं बिना ब्लेंडिंग के इसको ड्राइंग को कम्प्लीट करने वाला हूँ। तो आप पक्का उस वाली जो ड्राइंग है उसको तो आप देख लेना, तो अभी आपको पता चलेगा कि मैंने यूज़ किया नहीं किया। तो अब बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, तो एक लास्ट में बात मेरी एक और है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। वो बेल आइकन क्यों दबा लीजिए, क्योंकि जब भी मैं अपनी वीडियो चैनल पे डालूँ तो इमीडिएटली आपको वो मिल सके। और कुछ आपको समझ में आया हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो एक लाइक भी कर दीजिए वीडियो पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ध्यान रखिए।